राजस्थान यूथ कांग्रेस में चल रहे घमासान के बाद अब संगठन की सर्जरी शुरू हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इसके तहत संगठन में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस युवा के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से लंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। वही 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस दिया गया है। इस कार्यवाही के तहत प्रदेश महासचिव गौरव सैनी समेत प्रदेश सचिव रामनिवास गोदड़ा और परमिंदर साहाग निलंबित किया गया है। इसके अलावा जिन 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस दिया गया है उसमें प्रदेश महासचिव भरत चौधरी, अजीत बेनीवाल, प्रदेश सचिव सुनील डूडे और हरप्रीत शामिल है। इन पदाधिकारियों को आगामी 3 महीने की अवधि में अपने कार्य के प्रति और गंभीरता दिखानी होगी, उसके बाद इनके बारे में आगे पार्टी कोई निर्णय लेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछले साल सियासी संकट के बाद यूथ कांग्रेस में घमासान की नींव पड़ी। उस समय सचिन पायलट खेमे के साथ देने वाले यूथ कांग्रेस पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष विधायक मुकेश भाकर को उनके पद से हटा दिया गया था। उसके बाद अशोक गहलोत के खेमे के विधायक गणेश गोगरा को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। इससे पहले गणेश गोगरा यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव की भूमिका में थे। गोगरा को यूं रातों रात कांग्रेस की कमान सौंप देना संगठन में पदासीन कई पदाधिकारियों को रास नहीं आया। उसके बाद पुरानी टीम ने गोगरा के हाथ मजबूत करने की बजाय असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। संगठन के पुराने पदाधिकारी गणेश गोगरा को अध्यक्ष के तौर पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण संगठन में आंतरिक राजनीति तेज हो गई थी। हालातों को देखते हुए संगठन के उच्च अधिकारियों ने उनको इशारों में समझा भी दिया था, लेकिन संगठन में आंतरिक घमासान जारी रहा। इस पर संगठन नेतृत्व ने इसकी सर्जरी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे असहयोग करने वाले पदाधिकारियों को हटाया जाएगा और नई नियुक्तियां भी की जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।